आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर है, राइट? यस, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, शेयर माय स्क्रीन, ओके, ट्राई स्क्रीन, ओके, लेट मी नो इफ यू गाइस, ये स्क्रीन अगर नजर आ जाए, सॉरी नॉट दिस, कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? Okay, so starting off, that's good. So, कैसे हैं आप सब लोग? Good morning, good evening. I know, मुख्तलिफ जगहों से लोग आए हुए होंगे online और different time zone में होंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया जो जो online available हैं अभी, especially you know over the weekend attending this session, especially big thanks to the organizers और साथ में हमारे sponsors को जो मेक श्योर किया कि इवेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके. आई एम प्लानिंग टू डिलीवर टुडे. ओके, मेरा नाम सजाब है एंड आई बीन वर्किंग इन सीआरएम डोमेन. स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 11 ईयर से वर्क कर रहा हूँ, और जिसको आज हम कस्टमर एंगेजमेंट कहते हैं, और उसके वेरियस नाम और अब हम समझ नहीं पा रहे. सो और इसके साथ साथ मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस में सॉल्यूशन डिज़ाइनिंग और सीआरएम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा रहा है, जिसमें फ्रॉम पास कपल ऑफ ईयर्स मैंने और प्लेटफॉर्म में भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और सारी बातें उस पर भी डेवलपमेंट की, थिंग्स आर मूविंग टूवर्ड्स यू नो मोर मोर सीआरएम सेंट्रिक और यू नो फिनॉप सेंट्रिक, बल्कि अब ज़्यादातर चीज़ें सेंट्रिक होने लगे. You know, dynamics centric, you know, dynamics umbrella के अंदर mostly चीज़ें आ रही हैं. तो इस पर्सपेक्टिव से जो है अब एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसपे आपकी बिजनेस एप्लीकेशन भी रहती है, और साथ में आपकी कस्टम प्रो कोड का ऑप्शन भी अवेलेबल, और साथ में प्रो कोड का सारी बात, एक लो कोड प्रो कोड बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं, आप बिजनेस एप्लीकेशन जब इंट्रोड्यूस होती है तो उसमें कोडिंग कोर कोडिंग से बहुत चीज़ें हम रिड्यूस कर देते हैं. मुस्तजाब आप थोड़ा सा माइक प्लीज एडजस्ट कर लीजिए. क्या अब हमारे पास ओके सॉरी इज इट बेटर नाउ? या मुझे बताएगा अभी मेरी वॉइस अगर बेहतर. थैंक यू. ओके दैट्स गुड. थैंक यू अम्मा. जी जी परफेक्ट. इस पर्सपेक्टिव से हमारे पास जो है ना फिर क्वेश्चंस हमारे जहन में आने लगे थे कि यार वैसे ही जब बिजनेस एप्लीकेशन का जहन आप में आता था तो कोर डेवलपमेंट वैसे ही नलीफाई हो जाती थी, और साथ में अब जैसे ही लो कोड नो कोड का कॉन्सेप्ट आ गया तो क्या बिल्कुल भी प्रो कोड डेवलपर्स के लिए कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहा है? क्या वो बिल्कुल भी यू नो दे कैन नॉट वर्क ऑन एनीथिंग एनी मोर? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज का सेशन है कि ऐसी बात नहीं है कि पावर एप्स कंपोनेंट फ्रेमवर्क एक एरिया है, एक रीजन है जिसपे हम लोग जो है वो मेरे हिसाब से प्रो कोड डेवलपर्स के लिए काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल है, और वो प्रो कोड डेवलपर्स उसको यू नो एक्सप्लोर करके उस जगह पे अपने पर्सनल लैंड पे कंपोनेंट्स डेवलप कर सकते हैं. तो सेशन का एजेंडा स्टार्ट करेंगे, पहली बात वही कि जैसे मैंने आपको कहा कि इंट्रो टू पावर एप्स, ठीक है, कंपोनेंट फ्रेमवर्क क्या होता है. इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी कवर करूँगा कि यार यानी क्या क्या चीज़ें प्रीरेक्स क्या है, सारी बात एक चीज़ अवेलेबल है तो इसके प्री रैक्स हमारे क्या क्या हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास अगला ऑप्शन ये है कि यू नो हाउ वी कैन यूज इट, कहाँ कहाँ इसकी यूजेज हो सकती है, और प्लस क्यू एंड ए इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस. तो पावर एप्स कंपोनेंट फ्रेमवर्क जैसे कि नाम से थोड़ा सा अंदाजा ही हो रहा होगा हमें, इट्स इन द सेम रीजन जिसमें आपकी पूरी पावर एप्स लाई करती है. इट्स नॉट समथिंग सेपरेट, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं सेपरेटली मैनेज हो रही हो, ऐसा नहीं है, बल्कि ये पावर एप्स के अंडर ही एक छोटा सा एक्सटेंशन एरिया कह लें आप छोटा सा जिसे कह लें कि ऑप्शन दिया है कि जैसे आप मजीद जैसे जहाँ पे आपको एनहेंस कोडिंग एनहेंस कंपोनेंट्स लाने वो आप ला सकें, तो उस चीज़ के लिए जो है ना आपके पावर एप्स कंपोनेंट फ्रेमवर्क आता है. तो ये करंट इको सिस्टम के अंदर ही है, बट ऑब्वियसली इसको इतना आपने डाउट किया होगा कि बहुत ज़्यादा इसको जो है वो यानी अगर
टेक्निकल फोरम्स के या मुख्तलिफ जो आज के लिए फोरम्स चल रहे हैं उन पे ये या सेशंस होते हैं उनमें ये इस पे बहुत कम कवरेज दी जाती है। उसकी रीज़न भी ये कि बहुत ज़्यादा ये टेक ओरिएंटेड या कह लें डेव ओरिएंटेड चीज़ है। तो अगेन इट्स समथिंग दैट वी कैन यूज़ इन मॉडल ड्रिवन एप्स। इसको हम अपने यू नो कंपोनेंट फ्रेमवर्क्स बना के हम अपने उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, कैनवास एप्स के अंदर एंड सो ऑन। सो इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या होगा, ठीक है? कुछ एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज है जो हमें रिक्वायर्ड होंगी। जाहिर बात है नोड जेएस एक वन ऑफ एग्जांपल है, टाइपस्क्रिप्ट, और जाहिर बात है विंडोज टर्मिनल। विंडोज टर्मिनल लिखा हुआ है वैसे, विंडोज टर्मिनल ऐसी जरूरत नहीं होगी, बट ये कि एमएस डॉस की अगर आप लोगों को याद हो, आई एम नॉट श्योर व्हेन आई स्पीक कमांड और यू नो यूज करना, सो सेम मोर लेस आपको थोड़ी बहुत कमांड्स और यू नो लिखना आना चाहिए ताकि आप उसके उसके विंडोज टर्मिनल पे भी यही ऑप्शन होता है, आप एमएस डॉस ही यूज करोगे। लेकिन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है आपको रिक्वायर्ड होंगे वो होगी नोड जेएस और टाइपस्क्रिप्ट को सीखना, ठीक है? जो कि यू नो अगर जिन्होंने जिनका जावास्क्रिप्ट पे एक्सपीरियंस है तो नोड जेएस लर्निंग उनके लिए इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अडॉप्ट, बट ऑब्वियसली इट्स एन एरिया दैट दे नीड टू वर्क ऑन। और ऑब्वियसली उसमें उनको टाइम कंस्ट्रेंट थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर वो नई हुए हैं, और जाहिर बात है इसकी जैसे कहते हैं ना बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं इसकी, हाउ यू कैन डिज़ाइन अ पर्टिकुलर यू नो रिक्वायरमेंट, उस तमाम पर्सपेक्टिव से आपको नोट जेएस और टाइपस्क्रिप्ट पे वर्क करना पड़ेगा। तो एक छोटी सी एग्जाम्पल आती जहन में कि यार क्या है क्या कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स किसको कहते हैं, पीएसएफ एक कंपोनेंट यूज़ करें तो हम कहाँ हैं। तो देखिए नॉर्मली अगर आप लोगों ने कैनवास ऐप कभी भी डिज़ाइन की हो तो एक आपके पास जैसे इस राइट साइड पे इमेज में नज़र भी आ रहा होगा आपको, टॉप पे कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं जो कि कहलाते हैं डिफाइंड प्री डिफाइंड यू नो क्या कहते हैं कंपोनेंट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट आपको किसी भी कैनवास ऐप और मॉडल ड्रिवन ऐप्स के साथ प्रोवाइड करता है, सही है? और उसमें आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं और यू नो अपनी ऐप्स को जल्दी से बना सकते हैं। लेकिन बहुत सी जगहों पे हमारी रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें लगता है कि यू नो ये शायद इससे अचीव नहीं हो सकेगा, वी मे नीड सम मोर वे सम मोर इन्हांसमेंट टू हैंडल इट। तो उसके लिए फिर हम कहाँ जाएं, मतलब फिर ये आती है यही चीज़ जो मैंने आपको बताया, पावर ऐप्स कंपोनेंट फ्रेमवर्क आता है। और बहुत से लोग यू नो ये जो खासतौर पर एक पॉइंट मैंने यहाँ लिखा पी एस एफ गैलरी, तो लोग काफ़ी लोग मुख्तलिफ कंपोनेंट्स बना के यानी नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑप्शन सेट्स के अंदर सर्च करने का ऑप्शन हो गया, स्लाइडर्स हो गए यू नो लुकअप्स को या मल्टी सेलेक्ट बॉक्सेस, इस तरह के मॉडल ड्रिवन ऐप्स और कैनवास ऐप्स के लिए लोगों ने पहले ही डिफाइन कर दिया और मजीद एडवांस वो क्रिएट कर रहे हैं। तो इट्स रियली हेल्पफुल कि जहाँ पे आपकी कम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स आती हैं कुछ ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जो कि स्टैंडर्ड रेगुलर कंपोनेंट्स में नहीं अवेलेबल, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसके लिए आप जरूर डेफिनेटली इस पे पहली बात तो पीएसएफ गैलरी विजिट करें, वहाँ देखें लोगों ने बहुत यू नो कम्युनिटी इसी बात जैसे कहते हैं कम्युनिटी रॉक्स के बहुत से लोगों ने बहुत से काम ऐसे किए हुए जो आपको रिपीटेटिव यू नो री इन्वेंट द व्हील वाला सिचुएशन नहीं होगी, बल्कि यू कैन स्टिल वर्क ऑन। सो कीपिंग दिस इन माइंड, आपको अगर फॉर एग्जांपल कोई नया कंपोनेंट बनाना है तो उसका मैं तरीका आपको नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स के अंदर डेमोंस्ट्रेट करूंगा। अब एक क्वेश्चन तो ये आता है जैसे कि यार पीएसएफ है क्या, किस चीज़ के कंपोनेंट है, और मैं ये जो मेंशन किया हुआ है इसको मैं मजीद ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा कि ये पीएसएफ बनता कैसे है। तो इस पर थ्री एरियाज होते हैं जो मेन एरियाज हैं जिनको आप कहते हैं, एक इसका मैनिफेस्टो होता है जहाँ पे आप बेसिक यू नो मेटा डेटा आपकी प्रॉपर्टीज कह लें यानी जो आप कंपोनेंट बना रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन कह लें वो आप डिफाइन करते हैं। फिर दूसरा आपका होता है जहाँ पूरी लॉजिक यानी कंपोनेंट्स इंप्लीमेंटेशन है जिसमें इंडेक्स डॉट टी एस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप सारी अपनी चीज़ें डिफाइन करते हैं, लॉजिक्स डिफाइन करते हैं, और लाइफ साइकिल के लिए पूरा जो आपका कंपोनेंट है जब लोड होगा, लोड होने के साथ जब वो डिलीट होगा, जब वो यू नो होगा तो उसके क्या क्या एक्शंस होंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपको कंपोनेंट्स इंप्लीमेंटेशन मिलेगी, और साथ में रिसोर्सेज जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जारी बात है, कंपोनेंट्स SSS तो ऐड होंगे, तो यू हैव टू सब कुछ इन द रिसोर्स फाइल। जी जस्ट यू नो वन मोर स्लाइड देन आई विल हॉप ऑन टू माय अदर स्क्रीन एंड शो यू कैसे ये क्रिएट होती है। तो अगर आपकी दूसरी स्लाइड ये नज़र आ रही है तो इसमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की बताया गया कि जो ये फंक्शंस बनते हैं, खासतौर पे जो मैंने आपको बताया था ना
लाइफ साइकिल से रिलेटेड, कि पूरा एक जब आपका कंपोनेंट क्रिएट हो जाता है तो उसकी यूजर इंट्रैक्शन, उसकी क्रिएशन, उसकी यू नो कैसे हाउ इट विल फ्रेमवर्क से रन टाइम पे कैसे इंट्रैक्ट करेगा और क्या आउटपुट्स होंगी उसकी, एक्सेस आउटपुट्स, ये तमाम चीज़ें होस्ट से, ये सब कुछ, इनके ये चार फंक्शन जो आपके हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये प्री डिफाइंड डेफिनेशन है जो कि आपकी MS Learns पे मौजूद है, एंड फ्रॉम देयर यू कैन इजी लर्न। अगेन अगर किसी का क्वेश्चन जहन में ये आता है कि फ्रॉम वेयर आई कैन स्टार्ट लर्निंग MS यू नो पावर कंपोनेंट्स फ्रेमवर्क, तो MS Learn, रिमेंबर द नेम ऑलवेज, एनी थिंग, कोई भी पावर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड बात चल रही है, कोई भी चीज़ें चल रही हैं, तो then first thing where you can go and learn is MS Learn. वहाँ पर जाएँ, ओपन करें, उसके ऊपर अपनी जो भी क्यूरी है उसको सर्च करें, ईजी टू यूज है, और उसमें रोम अराउंड करके आप अपनी रिक्वायर्ड चीज़ों को लर्निंग के लिए पॉइंट ऑफ से खोल सकते हैं। अब आप देखिए PSF साइकिल है, अब मैं थोड़ी स्क्रीन चेंज करता हूँ और होपफुली मेरी कमांड प्रॉम्प्ट आपको नज़र आ रही होगी। तो मैंने जैसे कहा कि कुछ कमांड आपको जो है वो याद करनी पड़ेंगी, जैसे ये मैंने CD का मतलब होता है चेंज डेस्कटॉप, मैंने आगे स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा भी, और क्या कहते हैं वो जो है उसमें अवेलेबिलिटी हो जाएगा। अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, एक कोड की यहाँ पे बनाई हुई थी, ठीक है, और इस फाइल के अंदर मैंने ये PSF का एक फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इसमें जाके अभी देखें ये एम्प्टी हुआ हुआ है, इज़ नथिंग देयर। अब होता क्या है कि अब यहाँ पे जाके जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको पहले एक कुछ फाइल्स क्रिएट करनी पड़ती है जो सिस्टम जनरेट करता है, तो आप यहाँ पे चलते हैं तो कमांड्स हैं अवेलेबल, जैसे कि रिमेंबर वाली है, सॉरी एक सेकंड रखिएगा, यप ओके, सो पैक PSF एंड इनिशिएट ओके। अब आप इस डालेंगे नेम स्पेस। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल मैं भूल गया कि पैक के क्या, तो पैक और हेल्प आप कर सकते हैं। मैं भी रिलेटिव न्यू हूँ तो नया लर्न कर रहा हूँ, तो लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जैसे कि भाई इसके बाद क्या आना चाहिए, तो आप ऑलवेज कैन गो इन एंड राइट पैक हेल्प, ठीक है, फिर पैक, फिर मैंने जैसे कि पीस, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि पावर कंपोनेंट फ्रेमवर्क जो मुझे चाहिए। अब मैं यहाँ पे अगर हेल्प फिर लिखूंगा तो ये मुझे फिर और कोई इन्फॉर्मेशन देगा कि मैं देखें इसके बाद आपके पास इनिश क्या है। तो अगेन कोई मसला नहीं है, इफ़ यू आर न्यू यू नो क्या नाम है, इट कैन हैपन, यू डोंट नीड टू लर्न एवरीथिंग, बट ओके PSF स्पेस इनिशिएट। अब अगर मैं फिर अगेन यहाँ पे लिखूँ हेल्प तो मुझे क्या होगा, यहाँ पे वो मुझसे बोलेगा देखो भाई आपको ये चीज़ें देनी। असल में यही ये मेन कमांड है जो आपको क्रिएट करनी होती है, जिसमें आप नेम स्पेस डिफाइन करते हैं अपनी, ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ PSF नेम नेम, और इसके बाद आप डिफाइन करते हैं, आप कहते हैं PSF, ठीक है, और इसके बाद आपकी होती है टेम्पलेट। टेम्पलेट बेसिकली इज नथिंग, एक मैं आगे आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर आप दो वैल्यूज दे सकते हैं फील्ड और वो जरूरत पड़ेगी। तो अब मैं आपको देखिए इनिशिएट किया मैंने, तो इसने मुझसे क्या कहा, इनिशिएट हेल्प, सॉरी मैंने हेल्प का कमांड जो रखी, दिस वाज अ मिस्टेक, ओके से जाके हेल्प रिमूव करता हूँ, तो उसने मुझे हेल्प ही देके दे दिया, ठीक है। अब ये देखें पूरे इस में चीजें प्री रैक्स होंगी जो आपको चाहिए, जैसे आपको मेक श्योर करना कि आपके पास विंडोज टर्मिनल, ठीक है, जो मैंने अभी आपको डेमोंस्ट्रेट किया, फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म या तो आप प्लेटफॉर्म CLI, ये ऑनलाइन MS Learn पे मौजूद है, इनके URLs रिस्पेक्टिव आप वो जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देन आपको रिक्वायरमेंट में है नोड पैकेज मैनेजर, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको मेक श्योर करने के लेटेस्ट वर्जन करें, और इससे ये होता है कि ये पैकेज मैनेजर होता है नोड पे, सॉरी मैं वापस स्क्रीन लाऊं तो देखिए ये मेरा NPM ही चल रहा है जो बेसिकली सारे इंस्टॉलेशंस उसकी कब प्रोसेस में कर रहा है, तो लेट इट डू इट। विजुअल स्टूडियो ही का कोड यूजर सेटअप है, ये आपको यूज़ करना होगा ताकि आप इन
इसको विजुअल स्टूडियो की एक्सटेंशन आई एम नॉट श्योर अवेलेबल होती नहीं होती जो इसके कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली वी एस कोड यूजर सेटअप इजीली अवेलेबल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो इफ आई गो हेयर और मैं वापस जाता हूँ कि मेरा इंस्टॉलेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो मेरे यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है क्रिएट हो जाएंगी. जस्ट गिव इट अ सेक और सो. अब ये कुछ टाइम लेता है अपना, जाहिर बात है इस तमाम इंस्टॉलेशन के अंदर थोड़ा सा यू नो लाइक अ मिनट और फाइव. एंड वंस दिस इंस्टॉलेशन इज डन मैं आपको फिर फॉर श्योर आपको वो दिखाऊंगा क्या कहते हैं जो इसका पूरा सॉल्यूशन जो बनता है पैकेज फोल्डर का. सो गिव इट सम टाइम, मीनवाइल इट्स जनरेटिंग. और जब ये जनरेट हो जाता है तो देखें वही बात जो मैंने आपसे कही थी कि कुछ कमांड होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे सीडी चेंज ऑफ डायरेक्टरी. चेंज ऑफ डायरेक्टरी अगर डबल डॉट करेंगे रूट पे आने के लिए, मेक डायरेक्टरी अगर आपको कोई न्यू डायरेक्टरी नहीं है, और इसी तरह बैक हेल्प. मैंने जैसे आपको बताया था कि जहाँ पे भी आपको नज़र आए मुश्किल नज़र सॉरी के समझ नहीं आ रहा कि क्या कमांड थी या क्या था, तो ऑब्वियसली यू कैन गो विद बैक हेल्प. एंड सिमिलरली वंस यू वांट टू एग्जीक्यूट इट तो यू मेक श्योर दैट दीज इंफॉर्मेशन और दीज कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड विद बैक पीसीएफ इनिशिएट नेम स्पेस कंपोनेंट और ये आपका क्रिएट हो जाए. अगेन MS-DOS रिलेटेड कमांड्स हैं जो कि हमें दोबारा यूज करेंगे, जैसे कि पहले एक जमाना था कि हम यू नो मेक डायरेक्टरी और सब कुछ MS-DOS से करते थे, अब वो फिर हम वहाँ से आए थे वापस और यू नो सॉर्ट ऑफ अ कोडिंग में फिर हम वापस वहीं चले गए. तो लेट्स गो बैक. यू कैन सी दैट दिस इज ऑल डन, क्रिएशन इज कम्प्लीट. और सो व्हाट आई विल डू इज गो हियर और मैं अपने सॉल्यूशन में फाइल में जाके so second I think I mistakenly created it in the wrong folder so I think let me just remove this one. Okay, and it's a node model, so let me just go here, file sahi aur yahan pe jaake main just code ko select karke open kar leta hu. अब ये क्या करेगा, ये सारी मेरी जो ये फाइल्स है इसमें ये सॉरी अबाउट दैट ओपन फोटो. ओके अच्छा, अब आप ये देखेंगे ये इसने ऑटो जनरेट खुद किया हुआ है और इसमें हमें थोड़ा सा कोई खास जो है ना पैकेज की इंफॉर्मेशन पैकेजेस ऑन ये सब इसने खुद ही अपनी क्रिएट करके दी हुई. ठीक है, और ये डेमो VFS जो कि हमने नाम रखा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट. देखिए इसमें आपकी कंट्रोल मैनिफेस्ट की एक फाइल आती है और एक आती है index.ts की फाइल, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके पर्सपेक्टिव. देखिए कंट्रोल मैनिफेस्ट अगर मैं वापस जाऊँ अपनी स्क्रीन पे सॉरी प्रेजेंटेशन पे, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट एरिया है कि जिसमें आपकी दो तीन चीज़ें डिफाइंड हो रही होती हैं. ठीक है, सबसे पहले तो आपकी चीज़ होती है कि अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है कि पहली बात तो ये कि जैसे यानी जो बेसिक कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशंस हैं, डिस्प्ले नेम है और डिस्क्रिप्शन की है, ये सबसे मेन चीज़ हो गई आपके लिए. फिर सेकेंड आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है कि आपके जो इनपुट कंपोनेंट्स होंगे ठीक है इनपुट पैरामीटर्स होंगे वो आपकी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे. सही है, देन इट्स अबाउट दी रिसोर्सेज जो कि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि यू नो CSS इनेबल करनी है आपको, CSS ऐड करनी, ऑल दोज स्टफ जो कि आपको ऐड करने वो आप इसको इन कमांड्स को यहाँ पे ऐड करके या आप यहाँ पे फोल्डर बना के पाथ दे के आप इसको यूज़ कर सकते हैं. तो इस मैनिफेस्ट की फाइल के अंदर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपके इनपुट पैरामीटर्स यहाँ डिफाइंड होते हैं, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है. सेकेंड इज आपकी जो थर्ड है वो है index.ts जिसके अंदर आपकी सारी लाइफ साइकिल मैनेज होती है और सारी लॉजिक एक्सेस करती है ऑफ दैट पर्टिकुलर PSF कंपोनेंट के. जब वो लोड क्रिएट होगा तो इनिशियलाइजेशन उसकी कैसे होगी, कब जब वो यू नो जब उसका जब वो वर्क कर रहा होगा तो वो क्या एक्शन उसके परफॉर्म हो रहे और अगर कोई आउटपुट दे रहा होगा तो उसको क्या रिटर्न हमें करना होगा. ठीक है, और साथ में डिस्ट्रॉय इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम
ऐप में अगर वो कंट्रोल हमारा यूज हो रहा है तो हम वो मूव करें अगर नेक्स्ट लेवल पे, तो हम मेक श्योर करें कि वो क्लीन अप भी करें ताकि यू नो इट्स नॉट टेकिंग अननेसेसरी स्पेसेस. सो दीज आर प्रीटी मच दी टू बेसिक फाइल्स जो कि मैंने आपको, मैं अपनी स्लाइड पे वापस आता हूँ, जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि एक तो भी आपकी सबसे पहली मैनिफेस्ट की फाइल के अंदर इंपॉर्टेंट है कि आपके कंट्रोल प्रॉपर्टीज डिफाइंड होती है, देन इट्स योर इनपुट प्रॉपर्टीज एंड द रिसोर्सेज. तो थ्री चीज़ें जब आपको डिफाइंड करने जाना हो तो इट विल बी द मैनिफेस्ट फाइल वेयर आप ये चीज़ें होंगे, वो कंट्रोल डॉट मैनिफेस्ट होती है, आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं. Then second is the index. अगर आप ये देखें तो initiate, update view, get outputs and destroy. तो मैंने याद होगा, I'm going back to my earlier slide, कि these are the three things जिसको आपने करना है. ठीक है, can kick off remote servers, initiate important है, update second important है, required है, but हाँ get outputs है कि अगर हमारा कोई component output return कर रहा, output parameter वापस कर रहा है, हमें वो pass on कर रहा है, तो हम use करेंगे, else हम नहीं करेंगे. Destroy इसलिए जरूरी होगा कि तब हमारा सब action perform हो जाए तो इट कैन बी रिमूव. अगर आप इसको इस लाइफ साइकिल के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये आपको अब मच मोर मेक सेंस कर रहा होगा कि हाउ दिस ए फील्ड और ये किस किस एरिया पे इसका 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 बेनिफिट है. कमिंग बैक टू दी, अच्छा इसके बाद फिर आपकी जो नेक्स्ट कमांड होती है, पहली बात है मैंने आपको कहा ना कि कमांड जिसमें रन करना, जैसे यहाँ पे अवेलेबल था रिक्वायर्ड कमांड्स स्टार्ट, ये तमाम कमांड्स आपने रन करी और मेक श्योर किया कि आपका एक पूरा वो क्रिएट हो गया, कोड क्रिएट हो गया. अब आपने इसके बाद जब अपनी लॉजिक ऐड कर दी मैनिफेस्ट के अंदर, अपने पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए इंडेक्स के अंदर, अपनी पूरी लॉजिक आपने डिफाइन कर दी, तो उसके बाद आप उसके अंदर जो मेन आखिरी कमांड होती है npm rebuild अगेन इन द कमांड प्रॉम्प्ट और स्टार्ट टू वॉच ताकि आपकी बिल्ड हो सके. तो ये बिल्ड होने के बाद क्या होगा, आपकी बिल्ड होंगी एप्लीकेशंस और इससे ही होगा आपकी एप्लीकेशन बिल्ड होने के साथ साथ इनके ऊपर जब ये आपकी कमांड बिल्ड हो जाएंगी, आप यहाँ के यहाँ पे कमांड है npm build run build again help. पॉइंट ये है कि अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है कि इसमें क्या चीज़ है तो आप npl help ले सकते हैं और ये चीज़ रन हो जाएगी. एक क्रूशियल पॉइंट जो मैंने जब ये कर रहा था तो उसमें मैंने एक्सपीरियंस किया था, वो ये था कि जब आप npm जब इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो यू मेक श्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप मेक श्योर करिएगा कि जो आपका नोड जेएस का जो इंस्टॉलेशन हो वो उसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स ना हो. यानी जैसे अगर आप सी ड्राइव में इंस्टॉल करें तो अनफॉर्चुनेट देन यू हैव टू मेक श्योर दैट आप सी ड्राइव के अंदर ही उस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हो या अपने ये कोड बिल्ड करो. अगर आप डी में होंगे तो इस तरह की यूज़र एक्सेस के प्रॉब्लम आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके मशीन कौन सी है, किस मशीन पर आप काम करें. तो मेक श्योर करें कि जब आप Node.js इंस्टॉल करें तो इट इज़ से. अब आप देखें यहाँ पे मैंने जैसे npm help लिखा तो उसमें इसको मुख्तलिफ उसने मुझे actions perform करने के ऑप्शन दे दिया. और अगेन वही बात, आई कैन बिल्ड दिस एप्लीकेशन, आई कैन गो फॉर यू नो बिल्ड इट एंड इट विल सॉर्ट ऑफ अ कम्प्लीट दिस होल एप्लीकेशन. लेट मी गो बैक हियर, सो जस्ट टू गो बैक एंड रिवाइज ऑल दिस. सो वट आर द बेसिक थिंग्स जो कि हमें इस पूरी एप्लीकेशन के लिए चाहिए. ठीक है, सबसे पहली चीज़ है हमारे पास टू बिल्ड, यानी सबसे पहला जो हमारा काम है जो हमें एक्शन करना है टू इंस्टॉल ऑल द कंपोनेंट्स. अच्छा उसमें हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ थी जो मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट्स की डिटेल्स आपके पास ये हैं, जिसमें आपने मेक श्योर करना है कि You have all these Windows terminal, install power platform, node package manager, और VS Code setup. ये आपके सारे components installed हों. हो सकता है कहीं कहीं कुछ problem हो, किसी के पास जो problem आ रही हो कि .NET के versions का problem हो, तो make sure करें कि आप वो सबसे पहले install करें. Once you install that, आप जब installation complete हो जाए, then the second step is that learning the technology. और लर्निंग दी टेक्नोलॉजीज पे जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि इस पे दो तीन चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए, जिस पर सबसे पहले आपको एक तो मेक श्योर करना है कि आपने आप Node.js से वाकिफ हो अच्छी तरह, VS Code से आप वाकिफ हो, TypeScript से आप वाकिफ हो. यू नीड टू मेक श्योर कि आप ये चीज़ें ज़रूर लर्न करें ताकि इसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो
ऑब्वियसली यू नो अपनी टेक्नोलॉजीज और इन डेवलपमेंट में आपको हेल्प कर पाए. और थर्डली आपकी जो मेन चीज़ है वो ये है कि यू नो यूजेज आपको पता हो, यूजेज कहाँ करनी है. ठीक है, अब इसको मॉडल यूज कर सकते तो हम यूज करना चाहते तो हम इसको यू नो कैनवस ऐप्स में भी यूज कर सकते. ओके, विद दिस कम टू एन विद द क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट द होल माइक्रोसॉफ्ट पावर एप्स कंपोनेंट फ्रेमवर्क. बट अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है, तो प्लीज लेट मी नो. एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो बैक हियर, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्विच. लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग, रीशेयर इट विद अनदर स्लाइड. ओके, जस्ट अ सेकंड. Okay, so is there any question on this particular topic, or I consider I guess apne ko sab kuch samajh aa gaya. Okay, so okay, so with this I think I don't see any questions right now, but with this I think we can end the session a bit earlier. We still have some 10 to 15 minutes. If any question is there, then we can go towards the question part, else we can move to the next session. Okay, I don't see any question. Rooj, over to you then.